जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे थे कुछ अकाउंटिंग ग्रुप्स वगैरह, जैसे प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप जो थे। जैसे आप खुद सोचिए कि बैंक अकाउंट यहाँ पे सब ग्रुप के तौर पे दिया हुआ है, और आपने देखा कि बहुत सारे बैंक से सब बैंक अकाउंट के भीतर ही जा रहे थे लेजर जो भी थे। तो ग्रुप क्या करता है, लेजर को कैरी करता है। एक ग्रुप बहुत सारे लेजर को कैरी कर सकता है, इसलिए ग्रुप को क्या कहा गया, एक कंटेनर बोला गया, जो बहुत सारी चीजों को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। अच्छा, बैंक अकाउंट भी बैलेंस शीट में तो दो ही बातों का जिक्र होता है, लाइबिलिटी और एसेट्स का। तो बैंक अकाउंट जो होते हैं वो एसेट्स के भीतर आते हैं, और जो बैंक ओडी अकाउंट होते हैं जैसे कर्ज वाला जो खाता है वो लाइबिलिटी के अगेंस्ट आते हैं, जो भी चीज होती है। बाकी आपको चीजें पढ़ाया ही गया है कि परचेज किधर जाएगा, किस कौन सी चीज किधर रहेंगी, ये सब चीजें आपको पता है पहले से। अच्छा, एक बात आती है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है, हम लोग जूता बनाते हैं, लेट एज्यूम कि हम लोग शूज बनाते हैं ना। तो शूज बनाने के लिए हम लोग लेदर मंगाएंगे, वर्कर रखेंगे, सैलरी देंगे, भीतर की बात बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुई, पानी उनी जो भी खर्चे हुए। तो जब हम कोई रॉ मटेरियल मंगाते हैं कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उस पे होने वाली जितने भी खर्चे होते हैं सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट। जब एक बार जूता बन के तैयार हो गया, यानी शूज बन के तैयार हो गया, और एक बार कंपनी से बाहर निकल गया, उसके बाद उस पे जितने भी खर्चे होंगे सब क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। याद रखना, डायरेक्ट तब तक जब तक ये वो कंपनी तक आया, कंपनी में रहा, कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ, तब तक जितने भी खर्चे हुए सारे डायरेक्ट कहलाएंगे, और एक बार उससे बाहर निकला वो क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट। और टैक्स में भी यही था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े आए आप लोग, तो उसमें भी आपने यही पढ़ा था कि जब एक पर्सन से, मान लीजिए कोई पर्सन है ना, और ये पर्सन से दूसरे पर्सन पे आप कोई टैक्स कर रहा है और इनके बीच में रह जा रहा है, तो डायरेक्ट है। लेकिन अगर किसी टैक्स दे रहे हैं और ये चीजें किसी और को ट्रांसफर कर दी जा रही है, कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, थर्ड पर्सन बड़ा खतरनाक होता है पता है ना, तो ऐसी कंडीशन में वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट समझ ही गए, सॉरी यहाँ पे क्या था, एक्सपेंस था डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ क्या था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दिमाग में रखिएगा, मतलब कोई टैक्स किसी थर्ड पर्सन पे शिफ्ट ना हो, हमारे तुम्हारे बीच रह जाए तो डायरेक्ट, अगर किसी पर और फिर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस किसे बोलेंगे, तो कंपनी तक आने में, कंपनी में बनने में जितने भी खर्चे हुए डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक बार कंपनी से माल बन के तैयार होकर बाहर निकला तो उस पर जो भी खर्चे होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट। याद रहेगा ना, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है प्राइमरी ग्रुप वगैरह, जैसे दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, शुरू से पढ़ते आए हैं। कैपिटल क्या है, पूंजी है, कह रहा है इट होल्ड कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी, यानी कि क्या क्या करता है, कंपनी के कैपिटल को और रिजर्व को होल्ड करने का काम करता है जो आपकी कंपनी का है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोप्राइटर हो गया, यानी मानव जो मालिक होता है, ऑनर हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। जैसे एक कंपनी को चलाने के लिए एक व्यक्ति की भी आवश्यकता हो सकती है और मोर देन वन पर्सन भी हो सकता है, क्यों, कंपनी के मालिक दो लोग नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों में सबका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही जाएगा। जैसे मैं बोला हूँ प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, अगर मैं लेजर बना रहा हूँ प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अगर मैं बना हूँ ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। मतलब बिजनेस का अगर मालिक है तो उसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होगा। अच्छा, करंट एसेट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स सब ग्रुप, जो करंट एसेट है छह सब ग्रुप को कंसिस्ट करता है। कौन कौन सी चीज, इफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी कुड नॉट बी एलोकेटेड इन एनी ऑफ दिस सब ग्रुप, द प्राइमरी ग्रुप करंट एसेट आर एकोमोडेटेड। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे संपत्तियां हैं जिनको अगर कोई इंडिकेट नहीं करता है तो उसको करंट एसेट अपने भीतर लेता है। अच्छा, आपको मैंने पढ़ाया भी है करंट एसेट और फिक्स एसेट किसे कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड, जिसका लाइफ स्पान एक वर्ष से कम होता है, जिसकी समय अवधि से मानकर ही है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक साल से कम है, चलेगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, करंट एसेट। और वही अगर मैंने मशीन ले लिया, बाइक ले लिया, कुछ ऐसी व्हीकल्स ले ली, जनरेटर ले लिया, तो उसकी लाइफ स्पान क्या है, ज्यादा है, एक साल से ज्यादा है, तो उसका उसको क्या कहेंगे, फिक्स एसेट कहेंगे। कैश क्या है, करंट एसेट, क्योंकि वो आज है कल नहीं होगा तो करंट एसेट है। लेकिन अगर नॉर्मल चीजों की बात करेंगे, जैसे कि मैं बिल्डिंग की बात करूं, लैंड की बात करूं, या फर्नीचर की बात करूं, ये सब क्या होंगे, फिक्स एसेट कहलाएंगे, है ना, दिमाग में रखिएगा। ऐसे सारा दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है,
कह रहा है कि बैंक अकाउंट किसको किसको होल्ड करता है, सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होगा, उनको होल्ड करता है बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक ओडी तो कर्ज वाले खातों को होल्ड करता है। बैंक ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब कर्ज वाले खाते, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट जानते ही होंगे। अच्छा, लोग पूछते भी हैं कि ब्याज हमें किस खाते में मिलता है, तो याद रखिएगा ब्याज आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है, करेंट अकाउंट पे सैलरी अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे खातों में करेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेविंग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होता है। अगर कम रखेंगे तो QoB चार्ज काट देता है, क्वार्टरली एवरेज जो भी पैसा है आपको डिडक्ट कर लेगा आपके खाते से अगर कटेगा, ठीक है, पैसे कम होंगे खाते से तो। ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप एक बार सबको पढ़ेंगे, सारी चीजें यूज होने वाली है इसमें। जैसे प्रोविजन है, प्रोविजन का मतलब समझ लीजिएगा, प्रोविजन का मतलब प्रावधान होता है। जैसे कि जानते हैं ना कि अगर मैं इनको फांसी दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति को मैं फांसी दे रहा हूँ, मैं लेट अज्यूम कि मैं एक टाइम के लिए जज हूँ और मैं किसी को फांसी की सजा सुना रहा हूँ, तो उसका भी एक प्रावधान है कि किस एक्ट के तहत या किस धारा के तहत मैं उनको फांसी की सजा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि संविधान में इस प्रावधान का मेंशन किया गया है कि Act 302 के तहत फलाना ढिकाना को फांसी की सजा दी गई। तो 302 क्या था? एक प्रावधान है, यानी संविधान में उसका जिक्र है। वैसे ही आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उनसे उनसे पैसा काट लिए, उनका ATM चार्ज काट लिए, तो क्यों काटे हैं? तो एक नियम के तहत काटा गया, यानी हर चीज का एक प्रावधान होता है, समझ में आ रही बात ना? तो वही प्रावधान है, कहता है द एक्ट एज जीरो लाइक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और कहाँ कहा लगता है? डिप्रिसिएशन पे। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? नोट डिप्रिसिएशन एक्सप्लेन करिए, बैठे बैठे एक्सप्लेन करिए। नहीं पता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर, वेरी गुड, तो बगल में ट्रांसफर करिए, किसको देंगे? इधर किधर, जल्दी करिए, टाइम नहीं है, किसको देंगे? क्वेश्चन बात करिए, क्वेश्चन पास करिए, ज्योति को, ज्योति बताइए भाई, डिप्रिसिएशन बैठे बैठे बताइए, डिप्रिसिएशन नहीं पता है तो बगल में पास करिए। पता है, टाइम नहीं लेना है, जल्दी पास करते रहना है, बोलिए तो पास करिए करिए, हाँ बताइए, नेक्स्ट, बैठे बैठे चलिए। बताया था कि किसी भी संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी, जो दिन प्रतिदिन कमी, जैसे मान लो मैंने एक बाइक ले ली, देखिए शानदार बाइक दिख रही है आपको, ये बाइक मैंने लिया 5 लाख का, अगर मैं 2 साल बाद बेचूं तो सीधी सी बात है कि 5 लाख में नहीं बिकेगी, उससे ज्यादा में बिकेगी, हाँ नहीं कम में बिकेगी, वेरी गुड। तो मान लो मैंने एक बाइक लिया है, सामने देखिए एक बाइक ली मैंने, इसकी अमाउंट जो थी 5 लाख थी, और 2 साल बीत गए, अब इस बाइक को हम बेचना चाहते हैं, तो ये बाइक अगर हम बेचेंगे तो 5 लाख की बजाय थोड़ी सी कम बिकेगी, जितने में बिके थोड़ी कम बिकेगी। तो वही जो थोड़ी कमी आई, वो कमी कब आई? 2 साल बीतने के बाद। 2 साल बीतने का मतलब दिन बीता, यानी कि दिन प्रतिदिन संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, डिप्रिसिएशन सारी संपत्तियों को नहीं लगता है? जमीन लीजिए आज 5 लाख में, कल 10 लाख में बिकेगा, उसको डिप्रिसिएशन लगा क्या? नहीं लगा। डिप्रिसिएशन का मतलब कमी होता है, और कमी सारी संपत्तियों में नहीं होती है, लिमिटेड हो गई। जैसे कंप्यूटर ले लिया, मोबाइल ले लिया, व्हीकल ले लिया, मशीनरी ले लिया, कुछ ऐसी चीजें, जमीन पे सोना पे तो नहीं होगा, वो तो अलग लेवल है, ठीक है, समझ में आ गई ना? तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? दिन प्रतिदिन संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी। बताइए ज्योति, क्या है डिप्रिसिएशन? मूल्यों में होने वाली कमी, संपत्ति के मूल्यों में कुछ भी, ठीक है, संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी, बात क्लियर है ना? चलिए, तो वो भी क्या है? एक प्रोविजन है, ये संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आ जा रही है, आप बेच रहे हैं इतने रेट लगा के, आखिर वो कमी भी आ रही थी, 1% रेट पे आई है, एक क्वेश्चन आएगा अभी जब आगे हम पढ़ेंगे, तो वो भी क्या है? एक प्रावधान है, ये कमी क्यों आ रही है? एक प्रावधान में कहा गया है कि ऐसी संपत्ति अगर हम बेचेंगे तो उसमें कुछ कमी करके ही बेचना पड़ेगा, नहीं तो हम सोचो कहते रहे 4 साल पुराना बाइक है भाई, 5 लाख नहीं 6 लाख दूंगा, ऐसा होगा? कोई देगा? नहीं देगा, समझ रहे ना? तो वही सारी चीज, क्योंकि प्रावधान में इसका मेंशन किया गया है। ऐसे ही अगर कोई टैक्सेशन लगाना है, सामने देखिए टैक्सेशन है, उसके लिए भी प्रोविजन ही है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कोई दिक्कत? एटसेट्रा, ETC मतलब एटसेट्रा आदि जो भी है। ऐसे ही सिंडिकेटर दिया है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, आएंगी सारी चीजें, ठीक है, बस
सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन कल ही बता दिया था मैंने। मैंने कहा अगर बैंक से ले रहे हैं जहाँ सिक्योरिटी वाली बात है, सिक्योर्ड लोन है, चाचा का लेकर मामा का लेकर इसको से ले लिया तो अनसिक्योर्ड है, ठीक है, सीधी सी बात। यहाँ जहाँ डूबने वाले चांसेस ज्यादा है कि भाग जाएगा नहीं देगा, तो अनसिक्योर्ड में चला जाएगा, ठीक है। अगला है सस्पेंस अकाउंट, मतलब आपके खाते में पैसा आ रहा है, कोई पैसा दे रहा है, या आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को पेमेंट करे पता ही नहीं वो कौन है, तो ऐसे मतलब ऐसे कंडीशन में आप अकाउंट में मेंशन करेंगे तो कैसे मेंशन करेंगे। मान लो हम पेमेंट करें मोहन को, तो मोहन को डेबिट कर दिया, अपने आप को क्रेडिट करते हैं कैश को, यही करते हैं ना, लेकिन हमने पैसा दिया है किसी को, पेमेंट किया है, लेकिन 5 लाख का, लेकिन किसको किया नहीं पता है। तो कैश तो हमारा क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट कौन होगा, पाने वाला कौन है पता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब पता ही नहीं पाने वाला या देने वाला कौन है, तो हम एक नया लेजर बनाते हैं, किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। किस अकाउंट के नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से, और उसका अंडर ग्रुप भी होता है क्या, सस्पेंस अकाउंट ही, लिख लीजिएगा एक लाइन हाईलाइट करके, कि अगर देने वाला या पाने वाला कंफर्म नहीं है कौन है, तो हम एक लेजर बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, और उसका अंडर ग्रुप भी रखेंगे सस्पेंस अकाउंट ही। हाँ सस्पेंस अकाउंट। अब हो गया, रहने दीजिए, सामने देखिए, ये सस्पेंस अकाउंट है, तो ये बनाना पड़ रहा है आपको, ठीक है, बना लीजिएगा, जब भी बताओ ऐसी जरूरत पड़ेगी दिमाग में रखिएगा। मिसलिनियस एक्सपेंस होते हैं, वो भी एक एसेट्स के भीतर जाते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस बताया था आपको, छोटे छोटे खर्चे, है ना, ठीक है। ऐसे परचेज अकाउंट है, सुनिएगा, जैसे आप जानते हैं ना, अगर मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं, तो कितने टाइप का हम परचेज करेंगे बताइए, दो टाइप का। ये करेंगे जब अपने ही राशि करेंगे, हम उसे बोलेंगे परचेज लोकल, क्या बोला जाएगा, और एक ऐसा होगा कि जब हम अलग राज्य से खरीदेंगे उसे क्या बोलेंगे, परचेज इंटर स्टेट, क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट, और लोकल को इंट्रा बोलते हैं, लेकिन लोग इंट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, लोकल ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या बनाएंगे, परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट का लेजर बनाएंगे। अच्छा, इन दोनों का अंडर ग्रुप क्या होगा, तो नाम में ही छुपा हुआ है, परचेज लोकल हुआ तो उसका भी अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही होगा, परचेज इंटर स्टेट होगा उसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट ही होगा, या परचेज अकाउंट का लेजर बना रहे हैं उसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट ही होगा, नाम छुपा हुआ है। ऐसे ही सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो उसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स लोकल बना रहे हैं उसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स इंटर स्टेट बना रहे हैं उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा। बहुत आसान है, ये सब चीजें आएंगी आगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही सारे दिया हुआ है, अब लेजर की बात करेंगे। लेजर क्या है, लेजर अकाउंट्स के हेड होते हैं जिनमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजेक्शन को नहीं कर पा सकते, रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, बिना लेजर के नहीं कर सकते, ठीक है। लेजर क्रिएशन करने के लिए एक क्वेश्चन देगा, और कह रहा कि लेजर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर क्रिएट करना होता है, लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ परचेज अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट। अगर मैं ले रहा हूँ SBI, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, SBI का अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। अगर मैं ले रहा हूँ SBI OD अकाउंट, अब इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक OD हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, नाम में हुआ है। मैं लिख रहा हूँ सैलरी, सैलरी क्या है, क्यों सैलरी है, तो सैलरी दे रहे होंगे, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अगर मैंने लिखा है रेंट रिसीव्ड, रेंट मिलना क्या है, इनकम है, अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम होगी। दिमाग में ये रख रहा है, ऐसे अपने आप ही को ग्रुप पता करना होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा ना उस टाइम, आपको ही पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्या ट्रेडर हैविंग कैपिटल, सूर्या ट्रेडर के पास क्या है, मान लीजिए ऑनर है सूर्या ट्रेडर, उसके पास कैपिटल है कितने का, 10 लाख 12 हजार, कितने का है, 10 लाख 12 हजार का, और बिल्डिंग है कितने की, बिल्डिंग है, लैंड है, बिल्डिंग कितने की है, यानी हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा कैपिटल के नाम से। किसके नाम से, कैपिटल के नाम से, किस नाम से बनाएंगे हम लोग, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, एक लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए कहाँ जाते हैं समझिएगा, सबसे पहले कंपनी ओपन कर लीजिए, सबकी कंपनी बन गई है ना अभी, ठीक ठीक, कुछ भी हो जाएगा जगह से उठिएगा मत, ठीक है, दिक्कत है, नहीं मार नहीं करने के लिए बोला हूँ गधा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ। सिलेक्ट ऑन ड्राइव, डी ड्राइव और टैली किस किस नाम से था, है टैली 7.4 SRV ना, सर, ठीक है, ये रहा ओपन हो गया। अब आपको आना है क्रिएट में, कहाँ पे, क्रिएट में, और क्या बनाना है हमें, इनकम लेजर, किस नाम से बनाना है,
प्रोपराइटर, प्रोपराइटर सिर्फ प्रूफ लिख देंगे, सभी हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। अब इसके नाम में छुपा हुआ है, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका अंडर ग्रुप? नाम में छुपा हुआ है कैपिटल अकाउंट ही होगा, प्रोप्राइटर कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल, सबका अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ही होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। इंटर इंटर करते आएंगे, यहाँ जीएसटी नंबर मांगेगा, जीएसटी नंबर अभी है नहीं, इंटर करिए, इंटर करिए, यहाँ ओपनिंग बैलेंस मांगेगा, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बस यही डाल दीजिएगा 10 लाख। थोड़ा जीरो का ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं देखता हूँ जीरो मनमानी लगा देते हैं आप लोग, 10 लाख 12 हजार ठीक है। अच्छा कैपिटल का नेचर क्या होता है बताइए आप लोग, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट की डेबिट। हाँ और तभी धीरे बोलो थोड़ा सा सुना नहीं पाए मुझे, क्रेडिट होता है क्या होता है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है, एसेट्स का डेबिट होता है, ठीक है बढ़िया है, पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हो, इंटर करेंगे देखिए अपने आप नेचर आ जाएगा उसका, क्रेडिट हो गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नेचर अपने आप ले लेगा, अगर ग्रुप आपने सही सेलेक्ट किया है तो नेचर अपने आप सही हो जाएगा, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, बन गया। अच्छा ये बन गया, अगर मान लो इसमें बैलेंस गलती डाल दिया हो या स्पेलिंग गलत लिख दी हो, सही कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था स्किप से पीछे आइएगा और क्रिएट में नहीं, कहाँ आएंगे तब, सुधार करना है तो अल्टर में, क्या अल्टर करना है, लेजर, तो लेजर में देखिए इसमें दो लेजर तो पहले से बने होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक कैश का, यानी कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर कभी बनाया नहीं जाता है, डायरेक्टली अगर अमाउंट दिया है तो अल्टर में आके अमाउंट डाल दीजिए, मतलब कैश का कोई अमाउंट दिया डायरेक्टली कैश में आइए यहाँ अमाउंट डाल दीजिए, लेकिन बनाया नहीं जाता, ये याद रखिएगा, दो लेजर नहीं बनाना है, कैश का और प्रॉफिट लॉस का। देखिए हम कौन सा बनाया है, प्रोप्राइटर कैपिटल का, ओपन करिए, बैलेंस यहाँ दिखा रहा है, जो भी एडिटिंग करना है एडिट कर लीजिएगा, नहीं हो करना है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा कंट्रोल ए से, या डिलीट करना है तो अल्ट के साथ टी और इंटर काम तमाम, नहीं तो स्किप से बाहर, डिलीट करना है डिलीट कर लेंगे, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर लेंगे, ग्रुप गलत सेलेक्ट किए ग्रुप सही सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट चेंज करना है अमाउंट चेंज कर लेंगे, जो भी करना है कर लीजिए अभी के अभी, उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, स्किप से बाहर आ जाइए। अगला लेजर बनाना है, फिर क्रिएट में जाइए, फिर लेजर में आइए और लेजर बनाइए, किस नाम से लेजर बनाना है, अगला जो लेजर है वो है लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से, किस नाम से है, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से, चलिए हम भी बना लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा, एसेट्स है, अच्छा एसेट भी दो टाइप है, करंट की फिक्स, ठीक है नाम से पता चल रहा है ना, बस यहाँ पे ले लेंगे ये इंटर, यहाँ पे यफ दबाएंगे, यफ आ जाएगा फिक्स एसेट, अगर ग्रुप यहाँ नहीं आता तो हमें बनाना पड़ता, लेकिन पहले से बना बनाया है, इंटर कर लीजिए हो गया, कुछ अभी करिएगा मत, कुछ करिएगा मत, कंट्रोल से डायरेक्टली इंटर इंटर करके कुछ करिएगा मत, अभी बाद में चेंज कराएंगे, जो भी चेंज कराना होगा, यहाँ बैलेंस डाल दीजिएगा, बैलेंस कितना है, 4,50,000 बस। अच्छा एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है ना, देखिए डेबिट आया कि नहीं आया, मैंने कुछ नहीं किया, अगर ग्रुप सही सेलेक्ट किए हैं तो नेचर अपने आप आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए बस, दो लेजर आज आपको बनाने, और इतने से क्या चेंजिंग आएगी, इसके से जब बाहर आएंगे, आएंगे अपने बैलेंस शीट पे, ये रहा बैलेंस शीट आपका, इंटर करेंगे तो ये बैलेंस दिखाएगा, 10,12,000 10,12,000 और ये 5 शीट एक्सपेंड कर देंगे, बताएगा एक प्रोप्राइटरी कैपिटल बनाया 10,12,000 का, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल तो क्रेडिट साइड में रहेगा ना, और एक आपने लैंड एंड बिल्डिंग बनाया कितने का, 4,50,000 इधर 10,12,000 बड़ा कौन है, दोनों साइड में 10,12,000 डाल दिया है, लेकिन इधर 4,85,000 आ रहा है ना, और आपने लिख दिया 10,12,000, यानी अंतर कितने का आ रहा है, 5,62,000 अंतर लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ऐसे ही होता है, यही होता है बैलेंस शीट, यही बैलेंस शीट हमें 34 लाख का बनाना है, आगे बनाएंगे अभी तो सिर्फ आज ये बनाएंगे। अब समझिएगा मेरी बात, थोड़ा एक बात समझिएगा, चूंकि इसमें हर चीज का एक वाउचर दिया हुआ है, हर चीज का क्या दिया हुआ है, वाउचर दिया हुआ है, जैसे कि मान लो ये सूर्या है, ये उसका बिजनेस है, सूर्या ने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 10,12,000 कितना इन्वेस्ट किया, 10,12,000 तो हमें किसके हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से, सूर्या से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें सोचना है बिजनेस के हिसाब से, तो आप बताइए कि 10,12,000 बिजनेस में आया है कि बिजनेस से गया है, कितने लोग कह रहे हैं आया है, हाथ उठाइए, हाथ सबके उठने चाहिए, ये बात याद रखिएगा, कितने लोग कह रहे हैं बिजनेस में आया है, आया है, चलिए नीचे करिए,
और कितने का है बिजनेस से गया है वो आप बताइए। ठीक है, बिजनेस के हिसाब से सोचना है, बिजनेस में आया है, राइट आंसर यही होगा। आप खुद सोचिए, सूर्या ने लगाया है बिजनेस में 10 लाख 12 हजार, तो अगर बिजनेस के नजरिए से सोचा जाए तो ये पैसा हमारी बिजनेस में आया है, और बिजनेस में जब कैश आता है तो कैश को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और किसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तभी ना बिजनेस कैश और कैपिटल बनाते हैं। यही क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो यही ट्रांजेक्शन बनता है। अच्छा, ये बिजनेस में पैसा आया है तो रिसिप्ट हुआ है कि पेमेंट हुआ है, रिसिप्ट हुआ है। रिसिप्ट हुआ है तो इसके लिए रिसिप्ट वाउचर का हम यूज करेंगे जब आगे पढ़ेंगे तब। अगर हम दिए हैं तो पेमेंट वाउचर, परचेज किए हैं तो परचेज वाउचर, बेचे हैं तो सेल्स वाउचर, समझ रहे हैं। हर चीज का एक अलग अलग वाउचर है यहाँ पे। तो आज आपको दो लेजर बनाना है, किस नाम से, एक लैंड एंड बिल्डिंग और एक प्रोपराइटर कैपिटल। नीचे स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है, सही से देख लीजिएगा, नीचे स्क्रीनशॉट लगाया है, प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट आ दे रहा है। और लेजर दिया हुआ है, दो लेजर और, ए भी है, बिल्कुल ए भी सही करना है आपको। इसको अमाउंट थोड़ा सही कर लीजिए, तो अमाउंट ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको लिखिए 34,650 होगा। बस 4 को इधर, 6 को इधर कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, बोल दें 3,4,650, 3,4,650 सही से लिख लीजिए अलग से, उसमें ओवर राइटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। 3,6 थोड़ी सॉरी 3,4,650, 3,4,650 हो गया, 34,650 सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें और लेजर बनाना है, किस नाम से, कंप्यूटर केयर सिस्टम के नाम से। किस नाम से बनाना है, अच्छा कंप्यूटर केयर सिस्टम नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नाम लग रहा है ना, तो ये हमारी पार्टी का नाम है। क्या है, चूंकि यहाँ हिंट भी दे दिया है कि इसका अंडर ग्रुप क्या रखना है, सन्ड्री क्रिएटर, क्या रखना है, सन्ड्री क्रिएटर। तो चलिए बना लिया जाए, ये भी वाउचर में आ गए, सॉरी क्रिएट में ना, क्रिएट में आ गए, लेजर पे आ गए और लेजर क्रिएट कर लिए, किस नाम से, कंप्यूटर केयर सिस्टम, एंटर किया, अंडर ग्रुप ले लिया सन्ड्री क्रिएटर। देखिए यहाँ पे क्रिएटर आ गया, ये रहा, इंटर कर देंगे, सन्ड्री क्रिएटर हो गया। हाँ, उसके बाद से इंटर इंटर करते हैं, ये जीएसटी नंबर मांगेगा, छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटर 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 और यहाँ अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 34,650। अच्छा क्रिएटर है ना, क्रिएटर है तो इसका नेचर क्रिएट होगा कि डेबिट होगा। नहीं। हाँ, कौन ऐसे बोल रहा है भयंकर आवाज में भाई, हाँ नहीं। सुधरोगे भाई तुम, क्या क्रिएट होगा, क्या होगा, देखिए अपने आप क्रिएट आ गया कि नहीं आ गया, और इंटर करेंगे, यहाँ कुछ करना नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, इंटर इंटर बस एक्सेप्ट कर लेना, कुछ करना नहीं है आपको, हो जाएगा। ऐसे ही अगला बनाइएगा, अगला जो दिया हुआ है हॉरिजन इंटरप्राइजेस, क्या दिया हुआ है, ये भी नाम लग रहा है ना, नाम लग रहा है ना कंपनी का या पार्टी का, तो बस हॉरिजन इंटरप्राइजेस ले लीजिए, और इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, सिंडिकेटर दिया है ना, देखिए अंडर ग्रुप सिंडिकेटर दिया, बैलेंस कितना दिया है, 15,480 डाल लीजिए, 450 है, 15,480 इंटर क्रिएट हो जाएगा, और इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, बस हो गया। अच्छा एक बात का ध्यान दीजिएगा, बाहर आके एक कंपनी का पहले टाइम पीरियड चेंज कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज होगा तभी होगी आराम से कोई चीजें। ऑल्ट F2 से कल बताया था ना, 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक हमेशा ये टाइम पीरियड चेक करते रहिएगा, पहले कंपनी स्टार्ट करने से पहले, काम करने से पहले। ठीक है, अगला लेजर क्या दिया हुआ है इसमें, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, क्या नाम है उसका, ये भी एक पार्टी का नाम है, अंडर ग्रुप संडे क्रिएटर ही होगा, यानी क्रिएट में आइए, लेजर में आइए, बनाइए संडे क्रिएटर, अंडर ग्रुप संडे क्रिएटर ही होगा, और बैलेंस डाल लीजिए, कितना बैलेंस है, 50,870, 50,870 देखिए सामने, क्रिएटर है इसलिए क्रिएट हो गया, बस इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट हो गया। और लास्ट है आपका लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक से लिखे है ना, एक्सिस बैंक से लिए है ना, तो सिक्योर्ड लोन होगा, कौन सिक्योर्ड होगा, देख लीजिए आप, सिक्योर्ड लोन हो गया है, अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड लिखिएगा, सिक्योर्ड आ जाएगा, सिक्योर्ड लोन, देखिए सिक्योर्ड लोन हाईलाइट हो गया, इंटर करिएगा, देखिए यहाँ पे सिक्योर्ड लोन हो गया, इंटर करेगा, कुछ करना नहीं है, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ बैलेंस डाल लीजिएगा, कितना है, 6,50,000, 75,000,
7500, बस इतना ही करना है आज की क्लास में, क्योंकि ये भी लोन है, लोन लाइबिलिटी में आ जाती है, लाइबिलिटी का रिजल्ट क्या होता है, क्रेडिट होता है, देखिए क्रेडिट दिखा रहा है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बैलेंस शीट अब फिर से चेक कर लीजिए, सबका बैलेंस शीट इतना आना चाहिए 17-88, अल्ट F5 से या अल्ट F1 से डिटेल में देख लीजिएगा क्या क्या बनाया है आप बनाया प्रोप्राइटरी कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, सन्डरी क्रेडिटर, इसी साइड में लैंड एंड बिल्डिंग बनाया है, बस उसके अलावा कुछ नहीं बनाया, इसीलिए अंतर आ रहा है कितने का, 13,38,000 का। सबका बैलेंस कितना आना चाहिए, 17-88 आज, बाकी तो देखा जाएगा, 34 लाख वाला काम करना है, हो जाएगा ना इतना, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।